वेलकम टू AQ ट्रेवल्स। मेरा नाम अब्दुल कादर और आप देख रहे हैं AQ ट्रेवल्स। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा चैनल जो है वो ट्यून अप किया वीडियो देखने के लिए। आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, हमने ले ली है टूरिंग बाइक जो कि है RX3 250cc लॉन्ग टूर्स के लिए नॉर्दर्न एरियाज के लिए। तो हियर वी गो। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find. नजर आ रही है ये एक्चुअल में थोड़ी सी साइज में जो आपको जो है वो बड़ी मिलती है जब आप इसको लाइव देखते हैं। वीडियोस में मैं भी जब ये देखता होता था तो मुझे ये एक ऑर्डिनरी साइज़ की बाइक लगती होती थी, लेकिन ये मैं अगर आपको ये कहूँ कि YBR इसके साथ खड़ी बिल्कुल जो है वो एक बच्चा बाइक लगती है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि YBR 125cc अच्छी खासी बाइक है, लेकिन इसके साथ खड़ी बिल्कुल छोटी सी बाइक लगती है। अच्छा, ये इसका जो है वो रेडिएटर है। रेडिएटर में ये कूलेंट के ज़रिए जो है वो ऑपरेट होता है, जिस तरह गाड़ी में सिस्टम होता है ये इसका लगा हुआ रेडिएटर। अच्छा, मैं इसके बारे में अगर आपको ये कहूँगा कि इसके ये इतने सेंटीमीटर्स के अलॉय व्हील्स हैं और ये इसके मेजरमेंट्स हैं, डायमेंशन हैं, सारा कुछ, ये इस चीज़ों में मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो एक आम यूज़र के लिए जनरली जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लाइक इसकी हाइट क्या है, इसको बैठ के चलाने के बाद आपको इशूज़ का फेस करने पड़ते हैं, वो चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'11" 5'10" कह सकते हैं आप। जब आप बैठते हैं इसके ऊपर तो ये देखिए मेरे पाँव जो हैं वो बड़े कम्फर्टेबली, मेरी एड़ियाँ जो है वो नीचे लग रही हैं बाइक के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप इसके ऊपर यूँ बैठते हैं तो आपकी जो राइट थाई है, जब इसको आप उठ पे रखते हैं तो जब ये चल रही होती है तो इसकी जो हीट है वो इस साइड से, यानी कि राइट साइड से निकलती है। इसका जो एग्जॉस्ट लगा हुआ वो यहाँ पर, और यहाँ से हीट आके ये जो आपका ये थाई एरिया है ये अच्छा खासा जो है वो गर्म हो जाता है। गर्मी में खास तौर पर आप इसको चलाएंगे तो आपको लग पता जाएगा, खास तौर पर विद इन द सिटी जहाँ पे बार बार आपको रुकना पड़ता है, ब्रेक सकती हैं, सिग्नल्स पे आपको रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे अच्छी खासी आपकी जो भी हीट होती है। और हीट होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई इंजन का प्रॉब्लम है या इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। इंजन हीटअप होने का मतलब ये होता है कि इसकी एक जो ऑटोमेटिक जो बिल्ट इन एक टेम्परेचर है पंखा चलने से पहले, वो हमारे इन्वायरमेंट के हवाले से इतना सूटेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई ख़राबी है। इसको अगर आप क्रूज़ करेंगे 60-70-80 पे, जितनी चाहे गर्मी हो तो ये हीटअप नहीं होगी, लेकिन जब बार बार ब्रेकें लगेंगी तो ये इसमें जो है वो हीट जो है प्रोड्यूस होती है। आइए इसको मैं आपको इसका इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ। ये इसका किल स्विच है, ये इसकी लाइट्स के बटन हैं ये वाले, और ये इसका इग्निशन है। यहाँ पर जो है ये इसकी जो है वो टेम्परेचर गेज है, ये इसका टाइम लिखा हुआ आ रहा है, ये ट्रिप लिखा हुआ आ रहा है 5.6 किलोमीटर का, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर होता है। ये इसका फ्यूल गेज है और ये इसका टेम्परेचर है, ये इसका स्पीडोमीटर है और ये इसका आरपीएम मीटर है। यहाँ पे इसकी जो है वो चार्जिंग स्लॉट है USB की, तो बंद करते हैं, और ये आपका 12 वोल्ट का एडाप्टर, ये इसकी तार आ रही है जहाँ से इसको हम जो है वो मोबाइल को इस तरह से इसके अंदर लगा के चार्ज कर लेते हैं। ये बड़ा परफेक्ट कंडीशन में है। ये इसका जो है वो हाई बीम लो बीम है, ये इसका हैजर्ड का बल बटन है, चारों इंडिकेटर ऑन होते हैं, ये लेफ्ट इंडिकेटर, ये इसका हॉर्न और ये इसका टिपर। ठीक है जी। अच्छा, ये लाइट्स की लगी हुई है ऑलरेडी, आपका फ्रंट व्यू देखें, कैमरे में तो इतना ये प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा, लेकिन वैसे अच्छी खासी इसकी लाइट्स हैं, ये मुझे बिल्ट इन मिली थी। बैकलाइट्स आपको दिखाता हूँ इसकी। अच्छा, अब बात हो जाए कुछ स्टोरेज के हवाले से। अच्छा, स्टोरेज के हवाले से इसके तीन बॉक्सेस हैं, जिसमें से जो ये वाला बॉक्स है इसकी जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा है, ये वाला बॉक्स, इसकी स्पेस अच्छी खासी है। जो ये वाला
बॉक्स है, इसकी स्पेस कंपैरेटिवली ज़रा कम है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी स्पेस है। अच्छा, और जो तीसरा बॉक्स है वो भी दिखाता हूँ, इसकी स्पेस सबसे कम है क्योंकि इस बॉक्स को जो है वो सिलेंसर की जगह भी दी गई है। ठीक है जी। अच्छा, ये इसका जो है वो इंजन ऑयल का गेज है, ये बताता रहता है कि इंजन ऑयल कितना आ रही है। अभी कैमरे में पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ये आप देखेंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि ये इस वक्त कितना इसका जो है वो लेवल है इंजन ऑयल का। यहाँ से इंजन ऑयल डालता है 1.5 लीटर इसके ऊपर मेंशन है, जो कि इसके अंदर इंजन ऑयल आप जो है वो डालते हैं। ये इसका सिंगल शॉक है, ये मोनो शॉक कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, इंजन को नहीं पता इतना, लेकिन ये इसका शॉक है। ये इसके जो है फुटरेस्ट हैं जो कि फोल्ड हो जाते हैं, बड़े ज़रूरी जो है वो क्वालिटी के हैं। ये इसके हैं सेफ गार्ड्स जो लगे होते हैं, क्रैश गार्ड्स को कहते हैं, सेफ गार्ड कहते हैं कि अगर ये क्रैश अगर हो तो ये इसके बचाव हो जाए। ये इसके जो है वो फॉग लाइट्स हैं, वाइजर, और ये इसके हैंडल बार्स, और ये इसका फ्यूल टैंक। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इसकी ये क्वालिटी है। अच्छा, जोंगशन कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी जिसने इसको बनाया है, और पाकिस्तान में इसको रोड प्रिंस वालों ने लॉन्च किया था। मैंने ये ली है 2021 मॉडल, बंद हो जाओ, ये हो गया। हाँ जी, मैंने लिया था 2021 मॉडल, ये ब्रांड न्यू नहीं है, ये तकरीबन 2.5 साल पुरानी है, लेकिन कंडीशन आपके सामने बहुत एक्सेलेंट है। जिन हिसाब से मैंने ली थी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रखी थी, 11,000 11,500 किलोमीटर इसकी अभी तक टोटल जो है वो माइलेज है। ओके, फ्यूल एवरेज के हवाले से बताता चलूँ आपको, अगर इसको आप प्यार से चलाएं, बहुत ही प्यार से, तो ये 35 तक देने की सलाहियत रखती है, 30 to 35, लेकिन अगर इसको आप रफ़ एंड टफ चलाएंगे तो ये आपको जो है वो 25 के आसपास, 25-26-27 ये आपको इतनी एवरेज जो है वो देगी। इस वक्त जो नई की प्राइस चल रही है वो 9,22,000 रुपये चल रही है, जो कि रोड प्रिंस वाले जो है वो कोट कर रहे हैं, लेकिन ये जो 9,22,000 रुपये ये सिर्फ इनवॉइस प्राइस है, और उसके बाद डिलीवरी कब होती है अल्लाह ही जानता है। पता था मुझे कि ये आज से तकरीबन 2.5 साल पहले जब ये बाइक मिला करती थी, जब इंपोर्ट पे कोई इशू नहीं होता था, इंपोर्ट ओपन होती थी, तब भी ये लोग हफ्ते का कहते थे, लेकिन 3-4 महीने लगा दिया करते थे। तो अब तो वैसे ही इंपोर्ट जो है वो बंद है, तो कमिटमेंट तो ये कर रहे हैं कि 3-4 महीने बाद दे देंगे, लेकिन गॉड नोज़ कि ये कब देंगे। तो 9,22,000 रुपये इसकी जो है वो इनवॉइस प्राइस है, और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है दैट इज़ अबाउट 30,000 रुपीज़, यानी कि 9.5 लाख रुपये की आपको पड़ेगी ऑन रोड प्राइस। लेकिन ये कब मिलेगी ये किसी को नहीं पता, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। और उसमें भी दो कंडीशन हैं कि अगर आप 50% पेमेंट करते हैं तो बुकिंग तो कर लेंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर डॉलर प्राइस बढ़ गई और इसकी टोटल इनवॉइस की प्राइस बढ़ गई, तो आपको वो जो लेटेस्ट प्राइस होगी, जो बड़ी भी होगी, उसके अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फुल पेमेंट कर देते हैं तो फिर आपको जो है वही पेमेंट करनी है जो आपने ऑलरेडी जो है वो कमिट उनके साथ की हुई है, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगेन टाइम को कोई पता नहीं कब मिले कब ना मिले, तो मैंने इस ऑप्शन की तरफ मैंने किया, मैंने सेकेंड हैंड जो है वो ट्राई किया, ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिल गई, और मैंने ये बाइक जो है वो ली है और ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए तक की। तो आई थिंक मेरा अच्छा ये डिसीजन होगा, लेट्स से क्या बनता है। लॉन्ग टूर्स के हवाले से पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज़ में इससे अच्छी बाइक इस बजट में, ख़ास तौर पर इस बजट में, क्योंकि इस सेगमेंट में एक और बाइक है टूरिंग बाइक के हवाले से, दैट इज़ बेनेली TRK 251, वो भी 250cc बाइक है, ऑलमोस्ट यही फीचर है उसके, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन प्राइस में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और वो भी इसी तरह ही है कि मिल नहीं रही, इंपोर्ट क्योंकि बंद है, कब खुलेगी किसी को कुछ पता नहीं है, तो कोई पता नहीं कब ये खुलती है, कब लोगों को जो है वो बाइक्स वगैरह मिलेंगी। अच्छा, एक और चीज़, ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं इसके ऊपर लगे हुए तीनों, ये आप ये ना समझिएगा कि बड़ी ये हार्ड मटेरियल और बड़ा जो है ये अच्छे मटेरियल की होंगी, नहीं, ये एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक को आप कह सकते हैं, ये प्लास्टिक के जो है नहीं बने हुए, आपकी उसकी फील चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ये एक प्लास्टिक बॉडी, आवाज़ सुनिएगा, और ये अंदर इसके लेदर की जो है वो करवाई हुई है, ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये बात जिन्होंने ये ब्रांड ली थी उन्होंने सारी इसकी जो है ना कोशिश करवाई हुई है, इसकी जो है अंदर इसके जो है ना वो ये लेदर की जो है ना शीट्स लगाई हुई तीनों बॉक्सेस के अंदर। तो इसको आप ये देखिएगा, इसकी मैं आवाज़ चेक करवाता हूँ, आप ये देखें प्लास्टिक है, कोई ये अपना लोहा शोहा या ऐसी चीज़ कोई नहीं है। साइलेंसर इसका ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर, जैसे फॉर द सेक ऑफ कि अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं, पानी में से बाइक गुजारते हैं, सिलेंडर के अंदर पानी ना जाए, तो ये साइलेंसर के अंदर पानी ना जाए, तो साइलेंसर की हाइट आप देख लें कि बहुत ऊँची है, जितना मर्जी पानी हो इसके अंदर जो है वो पानी नहीं जा सकता।
अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी जो आप टायर देखें, इसकी टायरों की जो है ना, ये देखें ये इसकी जो ये शेप बनी हुई है, ये सेमी जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि इस तरह के जो टायर्स होते हैं ये ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों के लिए मुनासिब होते हैं। जबकि आप देखेंगे जो ऑन रोड होते हैं उनके जो इस तरह के जो ये जो गुड़ियाँ बनी हुई हैं वो काफ़ी कम होती हैं, मोस्टली फ्लैट होता है, वो होता है ऑन रोड के लिए। और जिस टायर की गुड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हों, उभरी हुई हों, और बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना ट्रेल बाइक्स की जो होती हैं टायर, उस तरह के वो ऑफ रोडिंग के इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक सेमी जो है ना वो जो जिसको आप कह सकते हैं कि सेगमेंट की बाइक है, जिसमें ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये इसकी टेल लाइट है, ये वाली, यहाँ पे ये लाइट ऑन होती है जिससे नंबर प्लेट के ऊपर लाइट जो है ना वो पड़ती है, एक रिफ्लेक्टर और ये लाइट, बहुत अच्छी लाइट है, रात के वक्त इसका व्यू बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा, इसकी कुशनिंग जो है, ये वाली जो सीट है इसकी, ये अच्छी खासी जो है वो नरम है। इसको आप प्रेस करेंगे ना, ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना हवा की तरह जो है, बिल्कुल इसकी जो है ना सॉफ्टनेस बड़ी बेहतरीन ज़बरदस्त है। और ये इसकी पिलियन सीट की भी इसी तरह ही है, तो इस सिटिंग इसकी जो है वो उस हवाले से ये बड़ी ही ज़बरदस्त जो है ना लॉन्ग टूर्स के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूल टैंक कैपेसिटी के हवाले से बात करूँ तो ये मुझे जहाँ तक इल्म है ये इसकी तकरीबन 13 लीटर की इसकी जो है फ्यूल इसमें आप टैंकी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और तकरीबन 2 लीटर जो होता है उसके बाद इसका जो है वो रिज़र्व लग जाता है। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि ये 6 जो है वो लाइट्स बनी हुई हैं, जिनमें से ऊपर वाली टॉप की 2 हैं वो लेफ़्ट राइट की इंडिकेटर्स, और ये फ्यूल गेज का साइन आपको नज़र आ रहा होगा। जब फ्यूल कम हो जाता है, रिज़र्व लगता है, तो ये लाइट ऑन होना शुरू होती है, जिस तरह गाड़ी के अंदर होती है। ये इसकी चेक लाइट है, और ये इसका जो न्यूट्रल है वो बता रही होती है कि इस वक्त ये न्यूट्रल पर खड़ी हुई है। जब इसको आप पहला गियर लगा देते हैं तो ये गायब हो जाती है। इस तरह देखें, ये देखें, एक दिखवा रहा है पहले गियर में, मैं गियर निकालूंगा तो ये अब न्यूट्रल पे आ गई। ये इसके जो है वो सारे बटन हैं जहाँ से आप इसको एडजस्ट करते हैं, ऊपर वाला बटन और ये नीचे वाला बटन, ये सारा इसका डिस्प्ले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो शेयर कीजिए हमारा चैनल EQ ट्रैवल, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसके बारे में कोई कमेंट करना है, कोई सवाल करना है, या कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद लेनी है तो कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज करें, मैं आपको इसका जवाब जो है वो दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।